3 साल का एक ऐसा बच्चा जिसने खेल खेल में ही अपने पिता को करोड़पति बना डाला, और एक ऐसा देश जहां ज्यादा बच्चे पैदा करने पर महिलाओं को गोल्ड मेडल और सारी जिंदगी पैसे मिलते हैं, और एक ऐसा शहर जहां बसने पर आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे, जापान का एक ऐसा होटल जहां आप सिर्फ 70 से 80 रुपए देकर रह सकते हैं, लेकिन बदले में आपको एक काम की इजाजत देनी होगी। और जब योगी आदित्यनाथ से ये पूछा गया कि उनका चेहरा विन डीजल से मिलता है, तब उन्होंने क्या जवाब दिया, जानने के लिए बने रहिए हमारी आज के वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 1, आमतौर पर खेल में अव्वल आने पर ही खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल मिलते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश है जहां ज्यादा बच्चे जन्म देने पर भी महिलाओं को गोल्ड मेडल मिलते हैं। ये देश है कजाकिस्तान। यदि इस देश में महिलाएं 7 या उससे अधिक बच्चों को जन्म देती है तो वहाँ की सरकार उस महिला को गोल्ड मेडल से सम्मानित करती है, साथ ही उस महिला को बच्चों की देखभाल के लिए जिंदगी भर के लिए महीने पैसे भी मिलते हैं। महिलाओं को मिलने वाले इस गोल्ड मेडल को एटिन अल्का पेंडेंट कहते हैं। 6 बच्चों को जन्म देने वाली माँ को सिल्वर मेडल और जिंदगी भर हर महीने पैसे मिलते हैं। 4 बच्चों की माँ को कोई मेडल तो नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें भी बच्चों के 21 साल की उम्र तक पहुँचने तक हर महीने पैसे मिलते हैं। कजाकिस्तान में 54 महिलाओं को गोल्ड मेडल और 68 महिलाओं को सिल्वर मेडल दिया जा चुका है। इन महिलाओं को हीरो मदर्स का दर्जा हासिल है। नंबर 2, अजमेर में एक ऐसा हनुमान मंदिर है जिसकी सुरक्षा खुद एक बंदर करता है। इस मंदिर का नाम बजरंगगढ़ मंदिर है और यहाँ पिछले 7 सालों से एक बंदर रहता है जो इस मंदिर को ही अपना घर बना चुका है। इस बंदर का खाना पीना इसी मंदिर में होता है और रात के समय में ये मंदिर की पहरेदारी भी करता है। जब मंदिर में हनुमान जी की आरती शुरू होती है तब ये बंदर घंटी बजाता है और हनुमान चालीसा का पाठ भी बड़े ध्यान से सुनता है। ये बंदर मंदिर में आने वाले हनुमान भक्तों को अपने हाथों से आशीर्वाद भी देता है। इस बंदर की वजह से बजरंगगढ़ मंदिर काफी मशहूर हो चुका है। नंबर 3, घोड़े का नाम आते ही हमारे मन में एक लंबे चौड़े और तगड़े जानवर की तस्वीर बनती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा घोड़ा जिसका आकार एक कुत्ते के बराबर है, के बराबर आकार वाले इस घोड़े का नाम तंबेलिना है। अमेरिका के एक फार्म में जन्म लेने वाली तंबेलिना ड्वार्फिज्म का शिकार है, जिसकी वजह से इसकी लंबाई और वजन नहीं बढ़ सका। इस घोड़े की लंबाई मात्र 17 इंच और वजन सिर्फ 26 किलोग्राम है। दुनिया के सबसे छोटे घोड़े के रूप में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जा चुका है। नंबर 4, इंग्लैंड का रहने वाला 3 साल का जेम्स हाइट नाम का ये बच्चा 2010 में अपने पिता के मेटल डिटेक्टर के साथ खेल रहा था। उसके पिता जैसन और दादा भी उसी जगह मौजूद थे। जेम्स मेटल डिटेक्टर के साथ खेलते खेलते ऐसी जगह पहुंच गया जहां इस डिटेक्टर से आवाज आने लगी, जिसके बाद उसके पिता और दादा ने खुदाई शुरू की। 8 इंच की खुदाई के बाद ही इन्हें वो चीज मिली जिससे इनकी किस्मत बदल गई। वहां 16वीं सदी का सोने से बना एक लॉकेट मिला। ये लॉकेट पॉसिबली इंग्लैंड के रॉयल फैमिली के किसी सदस्य का था, जिस कारण इसकी वैल्यू काफी ज्यादा थी। इस लॉकेट की कीमत लगभग $4 मिलियन आकी गई। ये एक बच्चा है जिसकी वजह से उसके पिता मिलियनियर बन गए, और एक हमारे घर का बच्चा है जो सामानों को तोड़ तोड़ कर हमें कंगाल बना रहा है। नंबर 5, जब हम किसी नए शहर में बसने जाते हैं तब वहाँ जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए हमें अच्छे खासे पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी है जहाँ अगर आप जाकर रहने का फैसला करते हैं तो आपको अपनी ओर से पैसे खर्च करने के बजाय सरकार की ओर से पैसे मिलेंगे। ये जगह है इटली का कालाब्रिया। कालाब्रिया नाम के इस क्षेत्र की जनसंख्या काफी कम हो चुकी है और स्थानीय सरकार इस इलाके को फिर से आबाद करना चाहती है। इस वजह से सरकार ने फैसला किया है कि इस शहर में आकर रहने वाले लोगों को लगभग 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। बस शर्त ये होगी कि यहाँ आकर रहने वाले लोगों की उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए और उन्हें इस नए शहर में आने के 90 दिन के भीतर अपना एक नया बिजनेस शुरू करना होगा। अगर आप इन दोनों शर्तों को पूरा कर लेते हैं तो फिर 25 लाख रुपए आपकी पॉकेट में होंगे। नंबर 6, महंगाई के इस दौर में भी जापान में एक ऐसा होटल मौजूद है जहां आप $1 देकर पूरी रात रह सकते हैं और साथ ही आपको खाना पीना भी बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। अगर आप सस्ते होटल के बारे में सुनकर खुश हो रहे हैं तो फिर जरा ठहरिए जनाब, क्योंकि इसके साथ एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि आप जब तक इस होटल के कमरे में मौजूद रहते हैं तब तक आपको YouTube पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। यानी आप कमरे में क्या कर रहे हैं और कैसे सो रहे हैं ये सारी चीज पूरी दुनिया देख पाएगी। इस अनोखे होटल का नाम आसाही रियोकन है और इसके मालिक टेत्सुया
NOU है। क्या आप इस होटल में एक रात गुजार कर यूट्यूब पर लाइव आना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 7, दोस्तों सोशल मीडिया पर आपने भी कई सारी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना हॉलीवुड के सुपरस्टार विन डीजल से की जाती है। दरअसल इन दोनों का चेहरा काफी हद तक मिलता जुलता है, यही वजह है कि लोग आए दिन इनकी तुलना करते रहते हैं। 2017 में इंडिया टुडे के एक इवेंट के दौरान खुद योगी आदित्यनाथ से इस बारे में सवाल किया गया कि उनकी तुलना विन डीजल से की जा सकती है, इस पर आपका क्या कहना है? इस सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने पिछले 25 सालों से कोई फिल्म नहीं देखी और फिर वो अलग मुद्दे पर चले गए। नंबर 8, ओडिशा के रहने वाले गंगाधर राउत नाम के शख्स के गांव हाटोडीह प्रखंड के कानपुर तक जाने के लिए कोई पुल नहीं था। बरसात की शुरुआत होते ही गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह टूट जाता था और लोगों को जरूरी काम से बाहर जाने के लिए नाव का ही सहारा लेना पड़ता था, जो कभी भी खतरनाक साबित हो सकता था। स्थानीय लोग पुल के लिए नेताओं और अधिकारियों की खुशामद करते करते थक गए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। आखिरकार गंगाधर राउत नाम के शख्स आगे आए और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे लगाकर इस गांव में पुल का निर्माण करवा दिया। उन्होंने इस काम में लगभग 10 लाख रुपए खर्च किए। गंगाधर राउत जैसे नेक दिल इंसान के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 9, आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में, इस डायलॉग को बयान करती इस बच्चे की तस्वीर को आपने जरूर देखा होगा। डिजास्टर गर्ल के नाम से मशहूर ये बच्ची मीम की दुनिया के बेताज बादशाह है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2005 में ली गई ये तस्वीर 3.7 करोड़ रुपए में बिकी है। तस्वीर में दिख रही बच्चे का नाम जॉय रूथ है। 2005 में जब इसकी उम्र 3 साल की थी तभी अपने पिता के साथ टहल रही थी, तभी आग लगी हुई इस घर को देखकर जॉय रूथ के पिता डेविड रूथ ने अपनी बेटी की कुछ तस्वीरें ली और इन्हीं में से एक तस्वीर को 2008 में इंटरनेट पर अपलोड किया गया, जिसके बाद देखते ही देखते ये तस्वीर पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। इस तस्वीर को सोल्ड करके जो रूथ को जो पैसे मिले वो इनका इस्तेमाल अपनी पढ़ाई और चैरिटी में करती है। नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर फ्राई पैन के आकार में एक बेहद ही शानदार स्कल्पचर का निर्माण किया गया है। इस फ्राई पैन का डायमीटर 24 मीटर है। इस फ्राई पैन का आधा हिस्सा रेत के अंदर है और आधा ऊपर। बीच पर फ्राई पैन के अंदर बैठकर लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।